हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फिटनेस यूट्यूब चैनल एमके फिटनेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं क्रिएटिन सप्लीमेंट के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बहुत वाइडली यूज़ होता है फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर में, और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एसेंशियल सप्लीमेंट भी माना जाता है। इसके बहुत सारे दोस्तों बेनिफिट्स हैं, तो उन बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे, इसकी सर्विंग साइज़ के भी बारे में बात करेंगे, कब कब आपको ये लेना चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इसके, और किस तरीके से आप सेफली इस सप्लीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मार्केट के अंदर बहुत सारी मिथ्स हैं इस सप्लीमेंट को लेके कि ये बहुत सारी बॉडी के अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मैं इन फैक्ट्स के बारे में आपको डिटेल्ड में बताने वाला हूं। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे वो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। और दोस्तों, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मैंने यहाँ पे नीचे दोनों इंस्टाग्राम हैंडल दे रखे हैं, आप वहाँ जाके जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट और कॉन्टेंट डालता रहता हूँ, जिससे आपको अपनी फिटनेस जर्नी में काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो गाइस, क्रिएटिन सप्लीमेंट एक बहुत वाइडली यूज सप्लीमेंट है जो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर में यूज़ होता है। क्रिएटिन सप्लीमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों, और बहुत सारी मिथ्स भी हैं। सबसे पहले दोस्तों बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों आपको क्रिएटिन सप्लीमेंट यूज़ करने का होता है, वो आपके स्ट्रेंथ लेवल को काफ़ी इंक्रीज करता है। अगर आप कंटिन्यू एक वीक तक भी अगर उसको सप्लीमेंट को यूज़ करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं आपकी सिग्निफिकेंट जो स्ट्रेंथ पहले थी वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। आप अच्छे अमाउंट में वेट लिफ्ट कर पाएंगे अगर आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं सप्लीमेंट को। सेकंड दोस्तों, वो आपके मसल रिकवरी को भी इंक्रीज़ करता है, आपकी रिकवरी प्रोसेस को फास्ट करता है। तो आप जितना भी वर्कआउट करेंगे और मसल को ब्रेक डाउन करेंगे तो आपकी रिकवरी भी काफ़ी अच्छे से और काफ़ी फास्ट होगी। नेक्स्ट दोस्तों, वो आपकी पावर को भी इंक्रीज़ करता है, आप मैक्सिमम पावर जितनी लगा सकते हैं आप उससे ज़्यादा भी पावर लगा पाएंगे अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट को यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे। और दोस्तों, ये आपकी एनर्जी प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है और उसको इंक्रीज करता है। अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी की कमी नहीं फील होगी, एनर्जी का प्रोडक्शन आपका कंटिन्यूस होता रहेगा क्रिएटिन सप्लीमेंट अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो। और गाइस, क्रिएटिन आपकी मसल बिल्डिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है, आपको मसल पंप काफ़ी अच्छा फील होता है जब आप वर्कआउट करते हैं। और सिर्फ लोग कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे होते हैं मसल साइज़ पुट ऑन करने में, मैं उनको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि वो क्रिएटिन को यूज़ करके देखें। अगर आप क्रिएटिन को दोस्तों यूज़ करते हैं तो आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट में मसल ग्रोथ भी आपका दिखेगा। क्रिएटिन के कंटिन्यूस यूज़ से आप दोस्तों काफ़ी अच्छा मसल मास पुट ऑन कर सकते हैं अगर आप एक अच्छी हेल्दी डाइट भी साथ में फॉलो करते हैं तो। सो गाइस, ये थे कुछ बेनिफिट्स। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या क्या मिथ्स हैं इसके ऊपर में, क्या क्या डिसएडवांटेजेस लोगों में फैले हुए हैं, क्या क्या रूमर्स लोग बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों, क्रिएटिन सप्लीमेंट के बारे में ये बोला जाता है कि क्रिएटिन जब भी आप यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। तो दोस्तों, ये एक मिथ है, क्रिएटिन आपके बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करता है। दोस्तों, ये भी सुनने में आता है कि जब आप क्रिएटिन का यूज़ करते हैं तो आपकी किडनी फेलियर हो जाती है, किडनी आपकी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा भी ये भी कोई पर्टिकुलर नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि आपकी वो कोई भी हेल्दी एडल्ट अगर उसका क्रिएटिन का यूज़ करता है तो उसकी किडनी को प्रॉपरली डैमेज कर देता है वो। गाइस, क्रिएटिन आपकी किडनी को डैमेज नहीं करेगा अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो, बशर्ते आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा वाटर का कंजप्शन अपना बढ़ा दें। अगर आप 2-2.5 लीटर पानी पीते हैं तो आप 3 या 4 लीटर पानी पिएं कंटिन्यूस उसे। बाकी दोस्तों, ऐसे कोई डरने की बात नहीं कि आप क्रिएटिन को अगर यूज़ करेंगे, इस सप्लीमेंट को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप मर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सेफ सप्लीमेंट है। अगर किसी बंदे को ऑलरेडी प्रॉब्लम रहती है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर में, तो दोस्तों उसको कहीं ना कहीं पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, अपना हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो
यूज़ करें, सप्लीमेंट तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों अगर आप एक हेल्दी एडल्ट हो तो आप ये सप्लीमेंट को यूज़ करोगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपकी बॉडी के अंदर में। नेक्स्ट दोस्तों इसके डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि कब कब आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों 3 से 5 ग्राम आप कंटिन्यूअस डेली इसको ले सकते हैं। आप चाहे तो बिफोर वर्कआउट भी ले सकते हैं, आप आफ्टर वर्कआउट भी ले सकते हैं। और दोस्तों सजेस्ट ये करा जाता है कि जब भी आप क्रिएटिन का डोज लें अपना, चाहे वो दिन में किसी भी टाइम हो, तो वो प्रोटीन की मील के साथ में लें या प्रोटीन शेक के साथ में लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्रिएटिन आपकी प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन रेट को भी इंक्रीज करता है और काफ़ी अच्छे से आपकी बॉडी के अंदर में यूज़ होता है वो। और गाइस अगर आप मैं ब्रांड और प्राइसिंग की बात करूं तो कोई सा भी ब्रांड आप क्रिएटिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर प्राइस रेंज हम देखें दोस्तों इसकी, तो कहीं ना कहीं 300-350 रुपये से लेके 1000-1500 रुपये की रेंज में आपको मिल जाता है ये। अगर आप इंडियन ब्रांड देखते हैं तो 300-500-600 रुपये तक आपको मिल जाएगा। अगर आप अमेरिकन ब्रांड देखेंगे तो 1000-1200 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 800-900 रुपये से आपको 1000-1500 रुपये तक का मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कितना क्वांटिटी में कितना साइज़ ले रहे हैं, 150 ग्राम या 250 ग्राम के अंदर में। सो गाइस ये थी एक क्विक वीडियो क्रिएटिन के बारे में, क्रिएटिन सप्लीमेंट के बारे में। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर दोस्तों ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती हैं और आपके लिए मैं कुछ ना कुछ जरूर लेके आता रहता हूँ हर वीक में। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्दी रहें, फिट रहें, अपना ख्याल रखें और कोई ना कोई वर्कआउट अपने डेली रूटीन में जरूर करते रहें। सो गाइस बी हेल्दी, बी फिट एंड जय हिंद।